इंडियन फोर्सेस आती हैं, वो एरिया के तमाम बच्चों को जमा करते हैं और फिर वो छरे के जख्मों को तलाश करते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरह के जख्मों वाला है तो उसे ले जाया जाता है, अस्पताल या इलाज के लिए नहीं ले जाया जाता, वो ले जाया जाता है तफ्तीश के लिए। Growing up in Kashmir कश्मीर में पलने बढ़ने के मुख्तलिफ तनाजुर हैं, उनमें से एक ये कि आप दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह में हैं, जिसे जमीन पर जन्नत भी कहा जाता है। और फिर तस्वीर का दूसरा रुख है, फौज की मौजूदगी बीजेपी इंडियन हुकूमत की सरपरस्ती में, जिन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया है जो कि बेसिकली इंडिया और कश्मीर के दरमियान लीगल कनेक्शन को मस्क करता है। और इस सब ने कश्मीर की हैसियत मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासत में बदल दी है, और ये सब हिज़्ब इख़्तिलाफ़ और ख़ुद कश्मीरी आवाम के मशवरे के बगैर किया गया है, जबकि भारत दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत का दावेदार बनता है। कश्मीर एक अलग कौम है जिसका एक झंडा है, वो एक आयन रखती है और रियासत का सरबराह भी। पिछले 5 अगस्त की तरफ चले, जिस दिन कलम के एक जुम्बश ने सब खत्म कर दिया। The situation with regards to, लोगों की हालत देखते हुए सूरत अब ये है कि वेल अब क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में जिनके हकूक सलब कर लिए गए हैं एक छोटे से हुकुम पर। इस 5 अगस्त की बड़ी तब्दीली के बाद हम तवक्को कर रहे थे कि कश्मीर फट पड़ेगा, क्योंकि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। और ज़ाती तौर पर मैं खुद हैरान था कि कुछ भी नहीं हुआ, या फिर हमें मालूम ही नहीं है कश्मीर में क्या हो रहा है। भारतीय हुकूमत ने रियासत में तमाम इंटरनेट फ़ोन की सहूलियात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं, रास्तों में खारदार तारें बिछा दी गई हैं, लोग नकलो हरकत नहीं कर सकते, हर जगह भारतीय फौज है। तकरीबन 10 लाख के करीब भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में मौजूद हैं। कश्मीर पर कब्जे के लिए बेहतरीन मंसूबा बनाया गया और वो उसमें किसी हद तक कामयाब भी हैं, क्योंकि कश्मीर मुकम्मल तौर पर खामोश कर दिया गया है। रात के वक्त भारतीय फोर्सेस घरों में जाती हैं और तमाम बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो उन्हें जमा करते हैं और छरों के जख्म तलाश किए जाते हैं। ये छरे भारतीय फौज हजूम पर फायर करती है, उनके लिए एक निशानी है, और बहुत से लोग उससे शहीद होते हैं और बहुत से लोगों ने अपनी आंखें खो दी हैं। अगर कोई इस किस्म के जख्मों के साथ पाया जाए तो उन्हें ले जाया जाता है, उन्हें अस्पताल या इलाज के लिए नहीं ले जाया जाता, बल्कि वो उन्हें ले जाते हैं तफ्तीश के लिए। इस तरह से भारतीय फौज ने निशानदेही करना शुरू की है कि कौन एहतजाज में हिस्सा ले रहा है। मुस्लिम दुनिया का ये रद्द अमल बहुत ही बुजदिलाना है। ये इस बात की निशानदेही है कि उम्मत अब इस दुनिया के दूसरे कोने में बसने वाले मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में उमूमी तौर पर मुसलमान और बाकी दुनिया को मालूम ही नहीं कश्मीर में क्या सूरत हाल है। हम इस सूरत हाल से लोगों को आगाह कर सकते हैं। इस बारे में अपने पड़ोसियों से बात करें, दोस्तों से बात करें, अपनी वर्क प्लेस पर इस बारे में बात करें। बदकिस्मती से बहुत ही कम मालूमात मौजूद है जिससे लोगों को एजुकेट किया जा सके कि कश्मीर में क्या हो रहा है और कश्मीर की असल स्टोरी क्या है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज इसे आगे फैलाएं और इस बारे में बात करें। इंशाल्लाह आपको इसका अजर मिलेगा।